a very warm welcome all of you i hope you are doing well my name is nadim in this video we will understand what is bsw and what is social work and where you can study as social work as your graduation subject okay so firstly we will understand what is social work then we will go to the universities and colleges where you can study bachelor in social work as your graduation subject okay so now let's just understand what is bachelor in social work okay so firstly we are we are aware that bachelor in social work bsw bsw mean a candidate who are uh, a candidate who are interested interested in providing professional assistance to people in need मीन्स टू से वैजलर इन सोशल वर्क मतलब ये होता है कि जब आप बैचलर इन सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आप जो है पीपल्स को इन लोगों को पीपल को आप प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकें ठीक है जो कि नीड में होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं जिसको आप प्रोफेशनल नीड प्रोवाइड कराएंगे इसके कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि हेल्थ सेटिंग हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया या फिर आपका एजुकेशन हो गया इंडस्ट्री हो गई काउंसलिंग हो गई या फैमिली करेक्शन सोशल डिफ़ेंस वुमेन चिल्ड्रन डिसेबिलिटी ओल्ड एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके ये आपके एरियाज़ होंगे एरियाज ऑफ वर्क होंगे जब आप बैचलर इन बैचलर की डिग्री करते हैं सोशल वर्क की तो आपको थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको फील्ड वर्क भी कराया जाएगा जो कि वील्ड वीक में टू टाइम होगा ओके okay. इस तरीके से आपकी बैचलर की डिग्री तीन साल की कंप्लीट होगी जिसमें कि आप सीखेंगे कि ह्यूमन डायमेंशन को सीखेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को सीखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली कुछ स्कीम्स के बारे में आप जानेंगे या एन की तरफ से दिए जाने वाले जो स्कीम्स हैं उनको जानेंगे सी के बारे में जानेंगे किस तरीके से फंड कलेक्ट किया जाता है किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपना थीमेटिक एरिया किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराते हैं और सोसाइटी में इंपैक्ट किस तरीके से आप ला सकते हैं सोशल वर्क के थ्रू ओके ये सब चीज़ों के आप जानेंगे थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ इसमें अंडरस्टैंड करेंगे इस कोर्स के दौरान ओके सो तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की कि कॉलेज में कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जाता है ये सो ये जो सब्जेक्ट है आपका ये कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके तो नेक्स्ट इज़ बैचलर इन सोशल वर्क जो है डी के दो कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मेरा यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन भी मेरा यहीं से है अम्बेडकर कॉलेज से लेकिन मेरा बी नहीं था मेरा बी प्रोग्राम था ओके तो इसमें बैचलर इन सोशल वर्क यहाँ पर कोैड पढ़ाया जाता है कोैड यहाँ पर टीचिंग दी जाती है और दूसरा कॉलेज है अदिति महाविद्यालय जो कि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है तो यहाँ पर भी सोशल वर्क एज एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो डी के अंदर दो ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर सोशल वर्क पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में सिर्फ एक कॉलेज है जो कि एम कराता है जो कि डी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है ओके लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ बैचलर इन सोशल वर्क के बारे में और अब इसके बारे में जैसे हमने कॉलेज के बारे में जाना है कि डी में सिर्फ दो कॉलेज अम्बेडकर कॉलेज और अदिति कॉलेज ओके अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा और किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं जो पहले जब हमारे टाइम पे में एडमिशन लिया था उस टाइम पर आपका जो ट्वेल्थ के जो बोर्ड के मैक्स मार्क्स होते थे उन्हीं के पर कट ऑफ लगती थी और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता था लेकिन अभी क्या है कि सीयू टी यूजी लेवल पर और पीजी लेवल पर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब आपका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी यू टी के थ्रू ही होगा सी यू टी के स्कोर कार्ड के बिहार पर आपका एडमिशन होगा ओके अब इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आप ट्वेल्थ होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप साइंस से हो सकते हैं आप कॉमर्स से हो सकते हैं या पर आप ह्यूमैनिटीज से हो सकते हैं किसी भी साइड से सा आपने ट्वेल्थ की हो उसके बाद आपने सो, आपने सी यू टी पै सी यू टी पी जी या सी ऊपर यू जी का एग्ज़ाम क्रैक किया हो देन उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में एडमिशन लेने के लिए अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको एडमिशन सीट मिल जाएगी अगर हम सीट की बात करें तो अदिति महाविद्यालय में ट्वेंटी टू सीट जो हैं जनरल के लिए रिजर्व की गई हैं 22 टू सीट जनरल के लिए हैं 8 सीट एस के लिए हैं और 4 एस के लिए 15 ओबीसी के लिए और 7 सीट जो है माइनॉरिटी डब्ल्यू के लिए और एक चीज़ और ये डब्ल्यू जो लिखा है ना आदित्य महाविद्यालय डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है कि स्पेसिफ़िकली गर्ल्स के लिए यानी वुमेन कॉलेज है यहाँ पर बॉयज़ नहीं पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है वो क्वैड है तो यहाँ पर दोनों पढ़ते हैं लड़के भी और लड़कियाँ भी ठीक है थीके? तो पहला है डॉक्टर अम्बेडकर में यू में थर्टी सीट हैं और इलेवन में एस में इलेवन एस में Thanks. ओ में ट्वेंटी और माइनॉरिटी में आपकी एट्थ सीट यहाँ पर जो है सीट अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है द नंबर ऑफ सीट्स में वेरी सुपर नम्बरसी सीट्स विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी दिल्ली नॉम्स कैंडिडेट मस्ट विजिट रेस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट फॉर द अपडेट फॉर फीस स्ट्रक्चर अब जब अब हम जैसे इसमें लिखा है कि सीट वेरी कर सकती हैं ज़्यादा भी हो सकती हैं ठीक है, है? तो जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉम्स हैं उनके हिसाब से वो सीटें जो हैं वेरी भी कर सकती है तो इसके लिए आप बोलते हैं कि एडमिशन के दौरान अपने जो पर्टिकुलर कॉलेज है उसकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें और चेक करते रहें ठीक ठीक है अब हम बात करते हैं देते हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है बीएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू में डिग्री तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू वो भी आपको बैचलर इन सोशल वर्क प्रोवाइड कराता है और मास्टर्स इन सोशल वर्क दोनों ही प्रोवाइड कराता है और ये बड़ा ही ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है और फ्लेक्सीबल यूनिवर्सिटी है जैसे इसमें लिखा है कि मिनिमम तीन साल का जो कोर्स आप छह साल में कर सकते हैं ठीक है आप जो है फॉर एग्जांपल आप किसी वर्किंग आप वर्किंग हैं वमेन हाउस वाइफ हैं या फिर आप किसी जॉब में काम काम करते हैं किसी अदर सेक्टर में काम करते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि आप उस टाइम टू टाइम एग्ज़ाम दे सकें अपने तो आप जो है तीन साल के कोर्स को छः साल में भी खत्म कर सकते हैं ठीक है इसका फीस का जो होगा ट्वेल्थ थाउजेंड पर एन एम होता है और उसके साथ एग्जाम फीस वगैरह वो अलग चलती है ठीक है इसके लिए कोई नो मिनिमम एज है नहीं है इसका कोई ना मैक्सिमम एज है ठीक है लेकिन इसके लिए मिनिमम जो है आपके पास ट्वेल्थ होना चाहिए तो ट्वेल्थ होने के बाद जो है आपको इग्नू में एडमिशन मिल जाएगा लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ इग्नू के अंदर ऐसा है फॉर एग्जांपल अगर आपने फिफ्थ की है सिक्स की है टेंथ की है और उसके बाद आपने स्कूल छोड़ गया है लेकिन अब आप कॉलेज करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपने एट्थ क्लास की हुई है और काफ़ी काफ़ी पहले की थी और अब अब अगर आपको लेकिन ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए पहले आप नाइन्थ करो टेंथ करो फिर ट्वेल्थ करो तो इसमें चार साल लग जाएंगे फिर उसका तीन साल ग्रेजुएशन तो सात साल इसमें चले जाएंगे आपके तो इग्नू ने क्या किया है इग्नू ने कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट को पढ़ाता है जो कि जिनका गैप हो गया है एजुकेशन में तो उनको उसको ब्रिज गैप जो कोर्स है वो इस तरीके से काम करता है पूरे साल का कोर्स उस कोर्स में आप एनरोल हो जाते हो तो उसमें एनरोल होने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक आपको 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 बताया जाएगा सिखाए जाएंगे ताकि ग्रेजुएशन के लिए तैयार किया जा सके तो आपने एट जो की थी उसके बाद डायरेक्ट आप एडमिशन उस कोर्स में ले लो एक साल के लिए कोर्स कोर्स की पर, एक, एक साल उस कोर्स को अटेंड करो देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर से ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं तो इससे आपका टाइम भी काफी बचेगा और आप चीजें भी जल्दी से अचीव कर पाएंगे ठीक है तिग्नू की बहुत ही अच्छा मुझे एक इनिशिएटिव लगा बाई अप्रिशिएटेबल है साथ ही मैं बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं ओनली यूनिवर्सिटी इग्नू ही नहीं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राइवेट भी हैं और सेमी प्राइवेट भी हैं जो कि बैचलर इन सोशल वर्क प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि हमारा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो भी प्रोवाइड कराता है और उसके बाद सेंट स्टीफन है वो वो है, वो सेंट जेवियर है प्रोवाइड कराता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राइवेट भी हैं एमएटी है एम में भी बैचलर इन सोशल वर्क अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर भी जो क्या है अवेलेबल होता है बैचलर इन सोशल वर्क यहां पर भी कराया जाता है जामिया के अंदर पहले बैचलर इन सोशल वर्क था लेकिन अभी सिर्फ वहां पर मास्टर्स रह गया है ओके अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड एंड की तरफ लाइट स्लाइड की तरफ तो इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी अच्छी लगी हो कि बैचलर इन सोशल वर्क क्या होता है और साथ ही अब आपको कहाँ पर काम करने का मौका मिलता है जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर में कम्युनिटी डेवलपमेंट में है ना सोशल डिफेंस में सोशल वुमेन के साथ चिल्ड्रन के साथ डिसेबल पर्सन के साथ या फिर ओल्ड एज के साथ या फिर आपको उसमें प्रिजन सेटिंग में भी काम करते हैं जो कि सोशल डिफेंस का पार्ट है ठीक है तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जगह का एक्सपोज़र मिलेगा एक्सपोजर कर सकते हैं और आप चीज़ों को सीख सकते हैं इन सब जगहों पर आप जगह सोशल वर्क की डिग्री के साथ काम कर सकते हैं ठीक है तो आई होप कि आप बैचलर इन सोशल वर्क क्या होता है इसके बारे में आप समझे और आपको मैं अच्छे से इन चीजों के बारे में समझा पाया हूं और इस बारे में अगर कोई भी डाउट है बैचलर इन सोशल वर्क को लेकर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं क्या डिसिप्लिन होते हैं वो सब भी अगर आपको पूछना हो तो मैं भी आपको आपको उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उस पर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी के साथ जो कि लोगों के लिए काम करना चाहते हैं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और लोगों सोसाइटी को चेंज देखना चाहते हैं और अपने एक मास्टर्स की या बैचलर की डिग्री भी लेना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड में जो कि उनको प्रोफेशनली भी साउंड करेगा और उनको आ, उनको जो है प्रैक्टिकली भी उनको शार्प करेगा ओके सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर बाय बाय